पंचकुला की चंडी मंदिर पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने आरोपी मुस्तफा के 4 दिन का पुलिस रिमांड के दौरान कई अहम जानकारी निकाली है। पुलिस ने बताया कि मामले में और लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पंचकुला के चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कम्बोज ने बताया कि चंडी मंदिर थाने को फर्जी पासपोर्ट का एक मामला दर्ज किया था। आरोपी ने बरवाला की आईडी इस्तेमाल कर फर्जी पासपोर्ट बनाया था। मामले में आरोपी मुस्तफा महाराष्ट्र के मुंबई में पकड़ा गया था और उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी का 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। ये हमने एक कुछ दिन पहले एक फर्जी पासपोर्ट का मामला दर्ज किया था। किसी ने यहाँ की आईडी बरवाड़ा की यूज़ करके अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाया है। तो अभी 21 अक्टूबर 2021 को एक मुस्तफा कमाल है एक्यूज्ड, जो हमारे यहाँ FIR दर्ज है जिसके खिलाफ, ये महाराष्ट्र में मुंबई में पकड़ा गया था। तो इसको हम अभी प्रोडक्शन वारंट पर लेके आए थे 2 तारीख को, और 4 दिन का हमने इसका पुलिस रिमांड लिया हुआ है। कल इसको हम पेश करेंगे दोबारा। तो और है अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में ये जहां बरवाड़ा के पास पंजाब में एक जगह पड़ती है बेटा गांव में, वहां ये किसी के पास आया था, यहां रुका था। तो अभी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, और वो लड़का जिस फैक्ट्री में काम करता था उसकी भी हम जाँच करने लग रहे हैं। और ये कुछ टाइम पर गाज़ियाबाद में भी रह गया है, तो गाज़ियाबाद में भी हमने रेड की है, तो उस पहलू पर भी हम जांच कर रहे हैं। और कुछ टाइम ये हैदराबाद रहा है, तो अभी हम इसका दोबारा रिमांड लेंगे। हैदराबाद कहाँ इसने काम किया है, कौन कौन इसके वहाँ साथी हैं, और जो इसने वीज़ा लगवाया है वो महाराष्ट्र मुंबई से लगवाया है, तो उस पॉइंट पे भी हम इसकी जांच करेंगे। तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो नकली पासपोर्ट बनाने और वीज़ा। हाँ, अब उनकी भी हमारे को तलाश है, उनको भी अरेस्ट करेंगे। आरोपी बरवाला के एक गांव में किसी के पास आया था, उसकी जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ समय गाजियाबाद और हैदराबाद में भी रहकर आया है। फिलहाल पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब KCTV।